नमस्कार सुप्रभात प्रथम खबर को स्वागत करुछि मु निवेदिता बुलेटिन आरंभ करबा हेडलाइंस रूस रे पराक्रम देखाइबो भारत बहुराष्ट्रीय सामरिक अभ्यास जापान रे अंशग्रहण करिवे भारतीय सैनिक सम्राभ्यास पाइ रूस कले नागा रेजिमेंट रो 200 सैनिक तृतीय लहर मुकाबला लागि भारत प्रस्तुत देशरे पर्याप्त परिमाण में मौजूद अच्छी अत्यावश्यक औषध और कंचा माल औषधर जोगाण उपलब्धता नहीं समीक्षा कले केन्द्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया अनुगुल कलिया गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में विपर्यस्त स्वास्थ्य सेवा रात्रि रहुना डाक्टर सिक्युरिटी गार्ड करुछन्ति रोगी सेवा अर्घ सतरे लागिला एक्सक्लूसिव भिजुआल केबे हटिबो सौम्य मृत्यु रहस्यर पर्दा विद्या को जेरा करबा को ब्लूप्रिंट प्रस्तुत सुरा खोजुची क्राइम ब्रांच खैरा बासभवन में सौम्य परिवार को तदंतकारी टीम पचरा उचरा सौम्य बापा कहले क्राइम ब्रांच उपरे नाई भरोसा सीबीआई तदंत कले खोलिबो प्रकृत सत मंडी परे मरुड़ी समस्या चाष और चाषी प्रश्न को नहीं मुहांमुही विरोधी शासक दल आज भी विधानसभा उठी पारे मरुड़ी प्रसंग कृषिमंत्री उत्तर को नहीं संतुष्ट नहांति विरोधी सेबे महांगा डबल मर्डर घटन मंत्री प्रताप जेना को घेरी पारती विरोधी गतिपथ बदलाउछि मंगला मुहाण समुद्र गर्भ को चालीगला बेलाभूमि बाली तथापि चेतुनी जलसेचन विभाग सेपटे एथपाई मनुष्य दायी बोली कहिछन्ति परिवेशविद कटक मुंडुली ब्रिज निकटे बेआईन टोल फ्री आदाय अभियोग गाड़ी चालकों पर दबंगिरी देखा टोलगेट कर्मचारी मन इच्छा ने टंका टेंडर किए नहीं पचारे उत्तर एवं महाप्रभु अलानाथ सेवे अर्थ साजिश बाधक मंदिर संपत्ति को लुटी खाइले असाधु व्यक्ति केउटे जमी जबरदखल तो केउटे बिक्री होगला ट्रस्ट बोर्ड बैठक में खोलला गुमर रूस रे निजर पराक्रम देखाइबो भारत सेप्टेम्बर 3-16 जाए आयोजित होगाक बहुराष्ट्रीय सामरिक अभ्यास जापान रे अंशग्रहण करिबे भारतीय सैनिक एथिरे भारत समेत 17 देश अंशग्रहण करिबे ए अभ्यास सेप्टेम्बर 3-16 जाए आयोजित होगाक एथिरे चीन और पाकिस्तान अंशग्रहण करिबे समराभ्यास पई भारत निजर नागा रेजिमेंटर 200 सैन्य को रूस पठाई विभिन्न राष्ट्र सह सामरिक संपर्क वृद्धि सह आतंकवाद विरोधी कार्य उपरे ध्यान देवा यह समराभ्यास उद्देश्य बोली जड़े अधिकारी सूचना देखते देश में कोविड मुकाबला लगी आवश्यक अत्यावश्यक औषधर जोगाण उपलब्धता नहीं समीक्षा करिछन्ति केन्द्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया देश में पर्याप्त परिमाण औषध मजूद थी स्वास्थ्य मंत्रालय पक्ष औषध प्रस्तुत पर आवश्यक कंचामाल देश में उपलब्ध अच्छे तेज बैठक में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे खोली पारे एसीएफ सौम्यरंजन महापात्र मृत्यु मामलार रहस्य विद्या भारती को जेरा पाई प्रस्तुत होउची क्राइम ब्रांच किछिदिन सोई रहिबा परे एबे पुणी एक्टिव मोड को आसीछि क्राइम ब्रांच टीम बुधवार बालेश्वर जाय सौम्यक परिवार सह आलोचना करितवा बेले विद्या भारती को जेरा पाई ब्लूप्रिंट प्रस्तुत करितवा क्राइम ब्रांच पक्षरु कह जायछि जेरा परे सौम्यक मृत्युर रहस्यरु पर्दा हटिबो बोली आशा करा जाउछि सेपटे क्राइम ब्रांच तदंत को नै खुशी नांति सौम्यक बापा गजपति पुलिस बोली क्राइम ब्रांच काम करुथिबा से अभियोग करिछन्ति सीबीआई तदंत कले प्रकृत रहस्य खोली पारिबो बोली कहिछन्ति अभिराम महापात्र मंडी समस्या परे पे विधानसभा रे राज्य सरकार को पई अड़ुआ परिस्थिति सृष्टि करिछि मरुड़ी स्थिति प्रथम दिन चाष और चाषी प्रश्न को नहीं मुहांमुही होइतिले विरोधी और शासक दल आज मध्य विधानसभा रे उठी पारे मरुड़ी प्रसंग कृषिमंत्री को उत्तर को नहीं संतुष्ट नहांति विरोधी गत अधिवेशन समय मंडी समस्या को नहीं 7 दिन गृह अचल करिथिले विरोधी सेबे आज महांगा डबल मर्डर घटना रे मंत्री प्रताप जेना को घेरी पारंती विरोधी यासह
ଭଣ୍ଡ ଗୁରୁଜୀ ମାନସ ଦାସ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶାସକ ଦଳକୁ ଘେରିପାରନ୍ତି ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ। तबे मंडी समस्या परे बे विधानसभा रे राज्य सरकार को पई अड़ुआ परिस्थिति सृष्टि करिछि। मरुड़ी स्थिति प्रथम दिन चाष और चाषी प्रसंग को नहीं मुहांमुही होइतिले विरोधी और शासक दल। आज मध्य विधानसभा रे मरुड़ी प्रसंग उठी पारे। दिव्यज्योति महांती आम रिपोर्टर आम सहित बाबद आलोचना फोनलाइन जोगे जोड़ दिव्य गतकालीर स्थिति कौन थी आम समस्त देखी विधानसभा जो भाई भाव मंडी प्रसंग उठी आज मरुड़ी को नहीं मरुड़ी प्रसंग को नहीं विरोधी शासक दल को घेरी पारती अर्थात सरकार को प्रश्न कर देखु नुबेता निश्चित भाव में गत काली षोडश विधानसभा सप्तम अधिवेशन मौसुमी अधिवेशन प्रथम दिन में देखिए जो भाव में मरुड़ी समस्या उत्कट हो विरोधी डिमांड थिला राज्य सरकार जो 23 टी जिला वर्तमान मरुड़ी प्रवण जिला से पाखापाखि 47 टी ब्लॉक संपूर्ण भाव प्रभावित होई सब जगह को मरुड़ी ग्रस्त जिला भाव डिक्लेयर करंतु एवं सेतिपई सहायता राशि घोषणा करा जाउ स्वतंत्र पैकेज घोषणा करा जाउ चासी मन पई एभली डिमांड थिला एवं सबुठ बड़ कथा हूँ राज्य सरकार जलसेचन में विफल होती बोली विरोधी कल अभियोग करते से विभिन्न प्रस्ताव विरोधी पक्ष दिता जमीक जलसेचन दीर्घ मियादी योजना कराऊ भविष्य जल कि संरक्षण रखा जा पार नदी जल कि समुद्र को नजर ता कि नष्ट न हो कि संरक्षण रखा से विषय में सरकार योजना करतु विशेषकर सरकार जो प्रतिश्रुति 2009 मसीह 35% जलसेचन प्रति ब्लक कहीं पूरण हो पारे बोली विरोधी प्रश्न करते जहाक नहीं अड़ुआ पड़ा शासक दल और विशेषकर मंत्री उत्तर क्यों ना क्यों विरोधी को संतुष्ट कर पार्ला जहाँ को नहीं गोटे अड़ुआ परिस्थिति सृष्टि होता विरोधी कक्ष त्याग करते मुलतवी प्रस्ताव आलोचना समय परवर्त समय आप देखिए विशेषकर जो विभाग आलोचना था विभाग मंत्री उत्तर नदे अन्य विभाग मंत्री उत्तर देवा को नहीं गोटे तुम्बितपान होता से हट्टगोल मध्य गत काली 7 बिल गृह उपस्थापन हो गोटे रिपोर्ट उपस्थापन कर गृह किंतु आज जी कार्यावली की आप देखिए आज प्रथम प्रश्न काल में 7 विभाग आलोचना रही जो थे आप देखिए जल संपद विभाग रही परिवहन विभाग रही ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति विभाग रही सूचना और लोक संपद विभाग रही यह 7 विभाग गुरुत्वपूर्ण प्रसंग में आलोचना हो प्रश्न काल में जो सब प्रश्न रही विधायक मान तार उत्तर मंत्री मैंने रखे और कौन कौन सब समस्या रही तार आलोचना हो और परवर्त समय शून्य काल में गुरुत्वपूर्ण प्रसंग आलोचना हो राज्य स्वास्थ्य सम्बलित प्रसंग सब आलोचना हो जी आप जानते विशेषकर बर्तमान सब बड़ टेनसन हो भंड बाबा प्रसंग को लेकर राज्य सरकार जो भाई आक्शन नवा कथा से भाई आक्शन नेहुना विरुद्ध में दफा लगे गिरफ्त करा जाने कांग्रेस और बीजेपी दिव्य विरोधी पाखे अनेक प्रसंग रही विशेषकर जदि आप देखिए मांगा डबल मर्डर कथा कि मरुड़ी स्थिति कथा एमती कि भंड बाबा कथा ए सब प्रसंग विधानसभा आज आलोचना हो पारे और विधानसभा नियाती सरगरम हो पारे। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यज्योति महांती रिपोर्ट बाबद आम सहित आलोचना करते। अनुगुल कणिया गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में विपर्यस्त स्वास्थ्य सेवा राति रोना डाक्तर सिक्यूरीटी गार्ड करुछंती रोगी सेवा एने अर्गस हाथ लगी एक्सक्लूसिव विजुअल गतकाली जने रोगी चिकित्सा करने को डाक्तरखाना को आसीथिला और सेठारे डाक्तर नथिबारु सिक्यूरीटी गार्ड रोगी चिकित्सा करथिबा देखिबा को मिलिछे। अनुगुल कणिया गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में किभली स्वास्थ्य सेवा विपर्यस्त तार चित्र आपण सीधासख अर्ग स्क्रीन एक्सक्लूसिव विजुआल देखिपे राति में डाक्तर होना सिक्यूरीटी गार्ड रोगी सेवा करुँचे दयनीय चित्र आसुची अनुगुलू एने जो चित्र सामना को आसुची अनुगुल कणिया गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र एने अर्ग सात जो एक्सक्लूसिव विजुआल लगी आपजुआल देखुंट आए हूँ गत कालीर दृश्य जे के भावे डाक्तरखाना को रोगी आसी सिक्यूरीटी गार्ड ट्रिटमेंट करते सदासख निचालुचु अनुगुल आम प्रतिनिधि जोड़े भागीरथी साहू भागीरथी जो चित्र सामना को आसुची मेडिकल डाक्तर नहांती शेष में
सिक्युरिटी गार्ड को ट्रीटमेंट करबाक पडुछि एते दयनीय स्थिति आम राज्य रे चाहे गत काली जो राति गोटाए समय एभली अभावनीय घटना घटी कणिया गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र रे शिल्प जिला कहिले शिल्प जिलार शिल्प कहिले कणिया को ही बुझाए एवं सेठिकार जो स्वास्थ्य अवस्था एवं देखा मिली एक दुखद एवं निंदनीय घटना कारण गत काली कमरेई गाँव जने पद्मनाभ बेहरा बोली छाती में जंत्रणा होता है से कणिया गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र को चिकित्सा आसते आसवा फल देखी कि सेठे कौन कर्मचारी नथिले से सिक्युरिटी गार्ड को सहित जोगाजोग करते सिक्युरिटी गार्ड कहते कि सबू कर्मचारी मैंने सोई फल से कर्मचारी मानक उठेवा चेष्टा करते प्रथम जन डाक्तर को उठाई थे कि डाक्तर आसी नथिले पुणी से द्वितीय बार जन डाक्तर को उठाई थे डाक्तर जनक आसिक प्रेस्क्रिप्शन लिखी देते कि आउ सहित जन आशाकर्मी सहित जन नर्स कर्मी आसते चिकित्सा आरंभ कर देते आरंभ कर सीधा पलई जाते रूम को शोवाई फलर जो रही रोगी सालाइन सरी जाता है से जो रही सेठिकार जो सिक्युरिटी गार्ड से निजे सालाइन खुलुवार भिजुआल आम हाथ में लगी पर पक्षर जहां पर सहित मुझे आलोचना करुँ से बारंबार से सिक्युरिटी गार्ड को से जो डाक्तर कह जाऊ कि नर्स कर्मी सहित से आलोचना करुले से विभिन्न प्रकार जुक्ति करुले कौन सेवा दिजिव कि राति में कौन कहीं शोबे कि एभली विभिन्न प्रकार कथ कहता जो पर पक्ष जो रही पद्मनाभ प्रधान रही सुस्थ अच्छा से आज सका घर को अणा जा सूचना रही तेबे भागीरथी क्यों डाक्तर गत काली राति ड्यूटी थिले एवं से जिते बड़े रोगी आसिक पहुंचले मेडिकल डाक्तर से कौन जाते से कौन दायित्व जहाँ रात ड्यूटी रोचे डाक्तर को द्वितीय भगवान कह जाए रोगी सेवा दायित्व तेज से क्यों थे देखंतु निवेदिता जो कही रखा को चाहे कि कणिया गोष्ठी स्वास्थ्य केंद्र रे जो डॉक्टर अच्छा भारप्राप्त डॉक्टर अच्छा सुमंत कुमार पटेल अच्छा सेठिकार सेवा देवारे लोक मानक लोकर भल पाइबा रही किंतु जो क्यों डाक्तर थिले काली तांकर कौन रही ड्यूटी एवं क्यों नर्स थिले ताहा जनापड़ ना कारण डॉक्टर सहित आलोचना हो पारिनी एवं अन्य पक्ष रे कहिबा को गले जो रही सेठिकार कर्मचारी से माने लोकल अंचल रही थी से मनमानी देखुवा जहां विभिन्न समय में चित्र आसी थाए प्रश्न उठू स्वास्थ्य सेवा को जिते बड़े सरकार गुरुतर दे सरकार कहते आमर स्वास्थ्य सेवा 100% लोक पा किंतु वास्तव चित्र संपूर्ण भाव भिन्न देखा जाऊँ ओके बहुत बहुत धन्यवाद भागीरथी साहू छिंडपटा प्रतिनिधि आम सहित जोड़ी थे जो चित्र अनुकूल कणिहारू सामना को आसूँ कि भाव डाक्तर मेडिकल रो ना जो सिक्युरिटी गार्ड को शेष में रोगी सेवा करने को पड़ी ट्रिटमेंट करने को पड़ी तेल अनुमान करूँ आम राज्य में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में स्थित कौन गतिपथ बदलाउछि मंगला मुहाण जेउटि दिने मुहाण थिला ता आजि बेला मार्ग आड़कु मुहाइलाडे तेबे समुद्र ज्वार सह मंगला नदीर उत्तम जराशि बेलाभूमिर बालिकु समुद्र गर्भकु टाणि नेलाणि जहाँ विपदर आभास देउछि जदि किछि बड़ झड़ बात्या देखा दिए तेबे स्थिति आहुरी भयंकर हेबा आशंका रहिछि सेपटे तथापि चेतुनी जलसेचन विभाग बारंबार गतिपथ बदलाउछि मंगला मुहाण जेउठी मुहाण रहितिला ताहा क्रमे बेला मार्ग आड़कु मुहाइलाणी समुद्र जुआर सह मंगला नदीर उत्तम जलराशि बेलाभूमि बालिकु समुद्र गर्भकु टाणि लेलाणी तथापि चेतुनी जलसेचन विभाग बलदा गतिपथकु प्रतिरोध करिबाकु उद्यम आरंभ होइनि जहाँ विपदर आभास देउछि जदि किछि बड़ झड़ बात्या देखा दिए तेबे स्थिति आहुरी भयानक हेबार आशंका रहिछि सेपटे यहपाई मनुष्य दायी बोली परेशविद खूब शीघ्र यह पदक्षेप निजी जिला प्रशासन तेज शुणु से प्रसंगे कौन कही तत्कालीन पुरी विधायक महेश्वर महांती समुद्र कूल लंघिया नेचुरल प्रक्रिया यहाँ एक प्राकृतिक उपाय देखिए रोचे गोटे अन्याचुराल जिस नुह तेनाली कौटी अधिका खाईगला कौट कल खाई पूरी समुद्र सीधा नुह ये ओभाल टाइप अच्छी पूर्वरु मंगला नदीर एक प्राकृतिक गतिपथ अवरोध पर मंगला नदी सह मिशी समुद्र जलराशि स्थलभाग आड़क माड़ी आसी बेलामार्ग संलग्न रास्ता को धोई नेबा सह
ସହର ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ଆଲୋଚନା ପରେ ବାଲି ହଟାଯାଇ ପ୍ରାକୃତିକ ଗତିପଥକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ କରାଯିବା ସହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଗତିପଥକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ବାଲିବସ୍ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପଲ୍ଲା ବାଡ଼ରେ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବହୁ ବର୍ଷ ତଳର ଏହି ବନ୍ଧ ଏବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମଙ୍ଗଳା ନଦୀର ଜଳ ସହ ସମୁଦ୍ରର ଉଚ୍ଛଳା ଜଳରାଶି ଏହି ବନ୍ଧଟେ ହିଁ ବେଳା ମାର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ଯେଉଁଠି ସମୁଦ୍ର ଜଳରାଶି ଓ ମଙ୍ଗଳା ନଦୀର ଜଳରାଶି ମିଶୁଥିଲା, ମଙ୍ଗଳା ମୁହଣ ସେତୁ ଗତିପଥ ବଦଳାଇ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲାଣି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମଙ୍ଗଳା ନଦୀର ଜଳ କ୍ରମେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ମଙ୍ଗଳା ନଦୀର ଜଳ ସହ ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର ବି ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ମାଡ଼ି ଆସି ବାଲି ଧୋଇନେଲାଣି। ଯଦି ଏବେଠୁ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାନଯାଏ, ଆଗକୁ ଏହା ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଏହା କୂଳ ଖାଉଛି, ତାହା ଉଦ୍ବେଗର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ବୋଲି ସହରର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ବହୁତ ବାଲି ଧୋଇଲାଣି, ହଁ ଏରା ପୁରା ଉଞ୍ଚା ଥିଲା, ଏତେ ଉଞ୍ଚା ବାଲି ଥିଲା, ଏସବୁ ପଳେଇଲାଣି। ହଁ ଏପଟେ ଗାଁ ଅଛି, ହଁ ମଙ୍ଗଳା ହାଟ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଛି ପାଣି। ଆଉ ମଙ୍ଗଳା ହାଟ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ ଆପଣ ଆସିଲେ ଆସି ଦେଖିଥିବେ, ସେ ବ୍ରିଜ୍ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଛି ପାଣି, ଆଉ ବହୁତ ଦୂର ଯାଉଛି। ସେ ମୁହାଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସକାଶେ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମି ନଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଲାଣି ଏବଂ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଅନେକ ବିଲ୍ଡିଂ ସବୁ ହୋଟେଲ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲାଣି। ପୁରୀ ସହରର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରକାର ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳା ମୁହାଣ ବାରମ୍ବାର ଗତିପଥ ବଦଳାଇବା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବନ୍ଧ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହୁଥିବାରୁ 2018 ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଏଠାରେ ଏକ ଜିଓ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ପାଚେରୀ କରିବ ବୋଲି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା। ପ୍ରାୟ 10 କୋଟି ଟଙ୍କାର DPRP ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ବି ଆସି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଫେରିଥିଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ 4 ବର୍ଷ ବିତିବାକୁ ବସିଥିଲେ ବି ଏ ଦିଗରେ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଆଉ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମଙ୍ଗଳା ନଦୀର ଏହି ବିପଦ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେପଟେ ଏହି ଅବକ୍ଷୟ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଦାୟୀ ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ପରିବେଶବିତ୍ମାନେ ମତ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। ନାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, 4 ବିଶେଷଜ୍ଞ ସଂସ୍ଥା 2006 ଭିତରେ ଯେବେଠୁ ମଙ୍ଗଳା ନଦୀ ମୁହଁରେ ଅବକ୍ଷୟ ହେଉଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସରକାରକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପୁରୀଟା ଅବକ୍ଷୟ ପ୍ରବଣ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବାଲି ଜମା ହେବା ଅଞ୍ଚଳ, ଯେଉଁଠି ଆଜି ବେଳାଭୂମି ଅବକ୍ଷୟ ହେଉଛି। ଆପଣ 8 ଦିନ ପରେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବେଳାଭୂମି ହେଉଛି, ବାଲି ଗଦା ହେଉଛି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭଲ ଭାବରେ ତା'ର ଗବେଷଣା କରି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ତା'ର ବିକଳ୍ପ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ବିକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରୀରେ ବେଳାଭୂମି ଅବକ୍ଷୟର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସମୁଦ୍ର ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ବେଳାଭୂମି ଅବକ୍ଷୟ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ସମ୍ଭବ କି ସମ୍ଭବପର କି ନୁହେଁ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। କଟକ ମୁଣ୍ଡୁଳି ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ଆଦାୟ ହେଉଛି ବେଆଇନ ଟୋଲ୍ ଫି। ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ଉପରେ ଦବଙ୍ଗିରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ କର୍ମଚାରୀ, ଆଉ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା, ଟଙ୍କା କାହା ପାଖକୁ ଯାଉଛି ପଚାରିଲେ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ଆଦାୟ ହେଉଛି ବେଆଇନ ଟୋଲ୍ ଫି, ମନ ଇଚ୍ଛା ଆଦାୟ ହେଉଛି ଟଙ୍କା, ରସିଦରେ ନାହିଁ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର, ରସିଦରେ ନାହିଁ ଆଦାୟ ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କାର ପରିମାଣ। କଟକ ମୁଣ୍ଡୁଳି ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ରେ ଆଦାୟ ହେଉଛି ଫି, କିନ୍ତୁ ଏ ଟଙ୍କା ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ, ଟଙ୍କା କିଏ ନେଉଛି ଏବଂ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର କିଏ ନେଇଛି, ଏକଥା କାହାକୁ ବି ଜଣାନାହିଁ। ତେବେ ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସେତୁ ପାଇଁ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ ନାହିଁ, ତେବେ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଟୋଲ୍ ଫି ଆଦାୟ ହେଉଛି, ତାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବଡ଼ ସନ୍ଦେହ। କଟକ ମୁଣ୍ଡୁଳି ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ବେଆଇନ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ଆଦାୟ ଅଭିଯୋଗ, ଟଙ୍କା କିଏ ଆଦାୟ କରୁଛି, ଟେଣ୍ଡର କିଏ ନେଇଛି, କେତେ ଟଙ୍କାରେ ନେଇଛି ଓ ଏହି ଟେଣ୍ଡରର ସମୟ ସୀମା କେତେ, ଏକଥା କାହାରିକୁ ବି ଜଣାନାହିଁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ରେ ଟଙ୍କା ନେଇସାରି ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ରସିଦରେ ନା ରହୁଛି ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର, ନା ରହୁଛି
ଯିବା ଆସିବାର ସମୟ। କେତେ ଗାଡି ଚାଳକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ବେନ ଭାବେ ମନଇଚ୍ଛା ରେଟ୍ ନେବା ସହିତ ଗାଡି ଚାଳକଙ୍କ ଉପରେ ଦବଙ୍ଗିରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ କର୍ମଚାରୀ। ବାସବା 30 ଟଙ୍କା ନଉଥିଲେ, ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ 10 ଟଙ୍କା, ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି 10 ଟଙ୍କା କାଇଁ ନଉଛ, ତ 20 ଟଙ୍କା ନିଅ, ମୁଁ 20 ଟଙ୍କା ବାହାର କରିଥିଲି, ନା ନାଇଁ 10 ଟଙ୍କା, ମୁଁ କହିଲି ନା କେବେ, ଆମେ ତ 50 ଥର, ମୁଁ ତ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଡ୍ରାଇଭର, ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଯାଉଛୁ, 20 ଟଙ୍କା ଲେଖା ନଉଛ, ଯିବାଟା 10 ଟଙ୍କା କ'ଣ ଆଜି ନଉଛ? ମାନେ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଟ୍ୟାକ୍ସ ବୋଲିକି ଆମ ନଉଛନ୍ତି ସାର, ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20 ବର୍ଷ ହେଲା କେଉଁଠି ଟ୍ୟାକ୍ସ ବାକି ଅଛି? ନା ନା, ଏସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇସାରିଲାଣି, ୟାଙ୍କର କଲେକ୍ସନ ଚାଲୁଛି। ଏଇଟା ତ ବେଆଇନ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କରିବା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ତ ଏଭଳିଆ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ବି ସେ ନିଜେ ନମ୍ବର ବୁଡ଼ି କାଟୁନାହାନ୍ତି। 30 ଟଙ୍କା ଯିବା ଆସିବା, ହଁ ପର୍ଚି ଦେଇଛି ଆଉ, ଦେଖିଲେ ନମ୍ବର ପଡ଼ିଛି, ତମ ଗାଡ଼ିର ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ପଡ଼ିନି, ନମ୍ବର ପଡ଼ିନି, ବେଆଇନ ସବୁ ଚାଲିଛି, ସବୁ ବେଆଇନ। କାହିଁକି ବେଆଇନ ଭାବେ ଆଦାୟ ହେଉଛି ଟଙ୍କା? ଆଦାୟ ହେଉଥିବା ଟଙ୍କା କିଏ ନେଉଛି? କେଉଁ ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କ ହାତ ଏହି ବେଆଇନ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ପଛରେ ଅଛି? ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଟୋଲ୍ ଫି ଆଦାୟ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ। କେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରେଟ୍ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ମନଇଚ୍ଛା ରେଟ୍, ରାତି କଥା ତ ନ କହିବା ଭଲ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ରାତି ହେଲେ ଏଇ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରେ ବେଆଇନ ଗାଡ଼ି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ପଛରେ କିଏ, ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଛି ନା ବେଆଇନ ଭାବେ ଏହି ଟୋଲ୍ ଫି ଆଦାୟ ହେଉଛି? 90 ଦଶକର ମୁଣ୍ଡୁଳି ବ୍ରିଜ୍ ପାଇଁ ଆଦାୟ ହେଉଛି ଟୋଲ୍ ଫି। ରାଜ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡୁଳି ବ୍ରିଜ୍ ପଛରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଅନେକ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରୁ ଟୋଲ୍ ଫି ଆଦାୟ ଉଠାଇ ସାରିଲେଣି ସରକାର। ତେବେ ଏ ଟୋଲ୍ ଫି କାହିଁକି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଆଦାୟ ହେଉଛି, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁମନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଜଗତସିଂହପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ 69 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ସୋରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 37 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଏଥିସହ ଜୁନ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 666.1 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଯାହାକି ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 29% କମ୍। ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଛି। ଭଦ୍ରକ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁଠୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ମରୁଡ଼ି ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ରହିଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଠଗଡ଼ ଗୁରୁଡ଼ି ଛାଟିଆ ସମବାୟ ସ୍କାମ ଘଟଣା କିଏ ଦେଉଛି? ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କାହା ବଳରେ ବଳିଆନ ହୋଇଛନ୍ତି ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ? ଏପରି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ। ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ଚାଷୀମାନେ ହାଲ୍ଲାବୋଲ କରିବା ସହ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ଏ ମାମଲାରେ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଏହା ସହ ସମବାୟ ସ୍କାମ ମାମଲାରେ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଚାଷୀମାନେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଭଣ୍ଡ ଗୁରୁଜୀ ତଥା ବିଜେଡି ନେତା ମାନସ ଦାସଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୁଣି ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ମାନବବାଦ ନାଁରେ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି ଚଳାଇଥିଲେ ମାନସ, ଆଉ ସଂଗଠନରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ବୋଲି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ହଳଦିଆ ଦଣ୍ଡେଇ ଗାଁରେ ଏକ ପରିବାରକୁ ମାଡ଼ ସହ ଧମକ ଦେଇଥିବା ନେଇ ମାନସ ଦାସଙ୍କ ଲୋକେ ଏହା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଖଣ୍ଡା ତଲୱାର ବୁଲାଇବା ସହ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ ନିର୍ଯାତନା। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ଗୁହାରି ଶୁଣୁନଥିଲା ପୁଲିସ। ସେପଟେ ଡାଳତୋଡ଼ାରେ ନିର୍ଯାତନା ସହି ନ ପାରି ଘର ଛାଡ଼ିଥିଲେ 6 ପରିବାର। ବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ମନା ଥିଲା ସିନ୍ଦୁର ଅଳତା, ପୂଜା ଉପରେ ଥିଲା ରୋକ, ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତିରେ ବାହାଘର ଉପରେ ଜାରି ହୋଇଥିଲା ଫତୁଆ। ଖାଲି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନୁହେଁ, କେଉଁଝରରେ ବି ମାନବବାଦ ନାଁରେ ଚଳାଇଥିଲେ ତାଲିବାନୀ ଶାସନ। ଭଣ୍ଡ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ନାଁରେ ଲାଗିଛି 302 ଦଫା, ହେଲେ ବିଜେଡି ନେତା ହୋଇଥିବାରୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଡରୁଛି ପୁଲିସ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ମିଳୁନି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ଅନେକ ଜାତୀୟ ମେଡାଲ ଜିତିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ, ପେଟ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଜଳଖିଆ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଖେଳାଳି ଅକ୍ଷୟ ସାହୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟ। କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍କୁ ଅଣଦେଖା,
अनेक मेडल जितवा पर भी मिलूनी सम्मान असहाय भाव जलखिया बिकुंट पारा खेला पूरी ब्रह्मगिरी ब्लॉक पलंग गाँव दिव्यांग खेला अक्षय साहू पारा हाईजंप्रे राज्यपाई जीति अनेक मेडाल हेले अर्थ अभाव अटकी रही ओलंपिक रे खेलिबार स्वप्न पेट पाई एबे बापांको सह दुकान रे जलखिया बिकुछंती अक्षय समस्त लक्ष्य था निश्चय ओलंपिक खेलिया किंतु आमर गोटे इंटरनेशनल फी दबा को आम पाखरे सक्षम नै आम पैसा देके जाई परबुन सरकार यदि आम चाकरी क्षेत्र रे टिके निष्पत्ति नियंती ताला आम निश्चय दिन दिने देशर भी ना करबु आशा करछु आम राज्य सरकार तो ये क्रीड़ा को बहुत गुरुत्व दौंती आमर मुख्यमंत्री भी पूरा गुरुत्व दौंती क्रीड़ा को तेणु आशा करछु यदि सेमती किसी बड़ सहयोग सरकार का हाथ मिल जाए तार आउर बहुत ऊपर को जापर कारण तार निजस्व प्रतिभा अच्छी एवं टोक्यो पाराओलंपिक्स भारतीय खेला चमत्कार प्रदर्शन करुछंती आम राज्य में खोद क्रीड़ा मंत्री जिले में अवहेलित पारा क्रीड़ाविद ओलंपिक रे खेली देश पाई मेडल आनिबा को लक्ष्य रखिछंती अक्षय हेले इंटरनेशनल खेल पाई फीस देवा को तांको निकटरे नाही अर्थ तेणु तांको स्वप्न एवं धीरे धीरे मौलिबार लगी सरकार एथिप्रति दृष्टि देवा को गुहारी करिछंती अक्षय को बापा और ग्रामवासी मोर आज्ञा दुकान जलखिया दुकान टे से भी कुआ आज साय कर सेतरे भी जहाँ पैसा आम मिलू से चार आम गुजरा मेटू ताद भी से पैसा भी जी पाँच से खेल आम जापरुँ आम भावु जी अधिक प्रोत्साहन दि जाए कोचिंग दि जाए बैक सपोर्ट दि जाए सरकार तरफ आर्थिक साहय कराए बोध से अंतर्देशीय खेल खेल पार केबे एही दिव्यांग खेलाळीको उपरे सरकारको दृष्टि पड़िबो आउ केबे एमानंकु उचित सम्मान मिलिबो देखिबाकु बाकी रहिला पुरी ब्रह्मगिरीरु काळुचरण साहू अर्गस न्यूज समय सरिछि बुलेटिन को इड सरिछि मते विदा दियंतु नमस्कार।